क्या वो समय आ चुका है जब दुनिया अंधकार में खो जाएगी? 7 दिनों का यह अंधेरा कितनी तबाही अपने साथ लाने वाला है? आखिर क्या क्या होगा कलयुग के अंत के समय? क्या इस अंधेरे की वजह बनेंगे परमाणु हथियार? आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अंधेरा, घोर अंधेरा, ना सूर्य होगा ना चंद्रमा, हर तरफ केवल अंधकार ही अंधकार होगा। दुनिया ऐसी तबाही के मंजर को देखेगी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा तक नहीं होगा। कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर सुनामी, कहीं पर भूकंप तो कहीं पर तूफान, हर कोई अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहा होगा, लेकिन कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। जी हां, ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियों के बारे में शायद अब तक आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा कुछ विषय है तो वो केवल भविष्यवाणियां ही हैं, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा आज से सालों पहले लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, भविष्यवक्ताओं का जब भी जिक्र किया जाता है तो दुनिया में कुछ ऐसे भविष्यवक्ताओं के नाम आते हैं जिनके द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियां ज्यादातर सच साबित होती हैं। इन भविष्यवक्ताओं में भारत के उड़ीसा के संत अच्युत्यानंद दास जी महाराज का नाम भी आता है, जिनके द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका में भविष्य के लिए कुछ ऐसी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसी भविष्य मालिका में 7 दिन अंधेरे वाली भविष्यवाणी भी लिखी हुई है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को काल्पनिक या मनगढ़ंत बोलकर टाल देते हैं, पर ये उन लोगों की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें शास्त्रों में वर्णित प्रमाण है जिनके अनुसार देखा जाए तो सतयुग से लेकर द्वापर में 7 दिन का अंधकार हुआ था, और इसी तरह भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों के तथ्यों के अनुसार आज का युग यानी कलयुग में भी वही 7 दिनों का अंधकार होने वाला है। पर सवाल यही है कि आखिर ये कब होगा? खैर, हम इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले अच्युत्यानंद दास जी महाराज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। श्री अच्युत्यानंद दास जी महाराज उड़ीसा के रहने वाले थे। जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संत अच्युत्यानंद दास जी ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युत्यानंद दास जी ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी थी। अच्युत्यानंद दास जी द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर के लिए भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो ज्यादातर सच साबित हुई हैं। इसके अलावा भविष्य मालिका में महाविनाश यानी दुनिया के अंत के बारे में लिखा हुआ है। इस ग्रंथ के अनुसार जब धरती का अंत करीब आएगा तब बार बार भूकंप के झटके धरती पर महसूस किए जाएंगे, और खबरों के अनुसार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए भी जा रहे हैं। खैर, यही नहीं, अंत के समय के लिए भविष्य मालिका में कई हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां हैं। जैसे भविष्य मालिका के अनुसार किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। इस तरह कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जो लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होंगी। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं जो बड़ी तबाही का कारण बनेंगी, वहीं दूसरी तरफ होगा महायुद्ध। जी हां, यहां तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में यह भी बताया गया है कि यह 6 साल 6 महीने तक चलेगा, और इस तरह महाविनाश का समय नजदीक चला आ जाएगा। यही वो समय होगा जब दुनिया 7 दिन के अंधेरे को देखेगी। भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा है कि 7 दिन अंधूरी हुई बा, कोई बा भविष्य अंधकार, 7 दिनों का मोरा मोरा हुआ, होई बा कलयुग नाश। यानी दोस्तों, हम इस श्लोक को समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में 7 दिन का अंधेरा होगा।
तब से ही कलयुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी। इस अंधकार के दौरान सूर्य या चंद्रमा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। भविष्य मलिका के अनुसार अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है और यह 7 दिन का समय भी नजदीक है, पर कितना चलिए वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने न्यूक्लियर फॉलआउट के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 7 दिनों के जो अंधकार की बात की गई है वो इस मामले से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। असल में जब भी न्यूक्लियर बम धरती पर फटता है तब बड़ी ही भयंकर तबाही होती है। उससे जब विस्फोट होता है उसका धुआं काफी ऊंचा उठता है, जिसके चलते जानलेवा और खतरनाक रेडियोएक्टिव मटेरियल्स धूल या फिर ऐश के रूप में धरती पर गिरती है और यही न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, जिसके चलते ये परमाणु विस्फोट जहां होता है वहां का पूरा एनवायरमेंट परमाणु धमाकों की धूल मिट्टी से भर जाता है, जिसके चलते हर जगह अंधकार ही अंधकार छा जाता है। अगर इन बातों पर आपको विश्वास नहीं हो तो साल 1945 का यूएसए का परमाणु हमला आप देख सकते हैं, जो यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। यूएसए के परमाणु हमलों के बाद कुछ ऐसा ही वहां का हाल हो गया था। अब आप सोचिए, जब यूएस के द्वारा सिर्फ 2 परमाणु बम गिराने से हर तरफ अंधकार छा गया था तो तब क्या होगा जब पूरी दुनिया में ही परमाणु विस्फोट होंगे। बिल्कुल वही होगा जो 1945 में हुआ था, यानी दुनिया भर में अंधेरा। खैर, आज के समय में देखा जाए तो दुनिया का हर देश अपनी शक्ति में इजाफा करता जा रहा है और सैन्य हथियार में परमाणु शामिल करने की कोशिश कर रहा है। आज दुनिया के बहुत से देश परमाणु हथियार के मालिक हैं, जो परमाणु शक्ति बन चुके हैं। और ये सारी तैयारी किस लिए की जा रही है? शायद इसी महाविनाश के लिए जो भविष्य मलिका में आज से सालों साल पहले लिखी जा चुकी है। महाविनाश यानी विश्व युद्ध, मतलब दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध। और ये तीसरा युद्ध इतना करीब आ चुका है ये तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं। आज अगर दुनिया पर गौर फरमाया जाए तो ये दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी है और उम्मीद लगाना गलत नहीं होगा कि वो समय नजदीक है जब 3rd World War से पूरी दुनिया झुलस जाएगी। दुनिया में आज हर तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ है। अगर आप नजर डालें तो रूस और यूक्रेन को कितना समय हो गया लेकिन अब तक इस जंग का अंत नहीं हो पाया। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन की जंग तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, जहां एक तरफ इजराइल के साथ दुनिया की महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका शामिल है, वहीं फिलिस्तीन का साथ देने के लिए खड़े हैं दुनिया भर के मुस्लिम देश। खैर, इन सब को भी छोड़ दें तो आज कई देश हैं जिनके बीच मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है। यही मनमुटाव कब 3rd World War का आगाज कर दे शायद कोई नहीं जानता। जब इस महायुद्ध की शुरुआत होगी तब दुनिया में बड़ा ही भयंकर सैलाब आएगा, क्योंकि आज रूस हो या चाइना, इजराइल हो या पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया हो या यूएसए, इन सब के अलावा ईरान, यूके और हमारा भारत, इन सभी देशों के पास परमाणु हथियारों का भंडार मौजूद है जो पिछले समय से काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये सभी देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तब दुनिया का क्या हाल होगा। और यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस महायुद्ध में परमाणु का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि बात जब अस्तित्व की आती है तो इंसान खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो फिर परमाणु हथियार क्यों नहीं। जिसके बाद सच हो जाएगी 600 साल पुरानी लिखी हुई भविष्यवाणी, यानी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। इसके अलावा महाविनाश के लिए आगे भविष्य मलिका में लिखा है, दुनिया में महाप्रलय आएगा, हजारों संख्या में मनुष्यों की मौत होगी। यही नहीं, सबसे हैरानी की बात, बारिश में पानी की जगह जहरीले पदार्थ गिरेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तब इसका भयानक रूप दुनिया देखेगी, यानी 7 दिनों का अंधकार। ना तो सूर्य देवता होंगे और ना ही चंद्रमा। वहीं जंगली जानवर भी जंगल से निकलकर शहरों और गांवों में हमला करना शुरू कर देंगे और कोई किसी की रक्षा न कर सकेगा। मलिका के अनुसार ये घटना साल 2029 के बीच कभी भी घट सकती है। देखा दोस्तों, आपने किस तरह दुनिया 7 दिन का अंधेरा देखेगी।
आपकी इस पर राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।